आउज़बिल्ल मिनशाजीम बिस्मिल्लिम शाह साहब के मज़्त सामीन नाजर अलकम वरम वर्क नाजरन मोहतरम उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैयत से होंगे अल्लाह ताली तमाम की परेशानियों को दूर फरमाए मेरी प्यारी माँ बहनों और मेरे दोस्तों मेरे भाइयों आज मैं आप के लिए आज के दिन बाद नमाज इशा का करने वाला एक बहुत ही मजरब अमल लेकर आया हूँ अलहमदिल्ल आज सऊदी अरब में ईद उल अजहा का चांद रात है और आज बहुत ही बाबरकत रात होगी तो एक बार ये अमल ज़रूर करें इन आपकी तमाम परेशानी दूर होगी आपकी तमाम दुआएं कबूल होगी ये बहुत ही ख़ास रात है बाद नमाज ईशा आज बरोज़ जुम्मा है और बाद नमाज ईशा ये ख़ास अमल आपको बताने जा रहा हूँ इस अमल का फ़ायदा ये होगा आपकी तमाम दुआएं कबूल होगी और जो भी रिस्क में तंगी है वो ख़त्म होगी ये बहुत ही ख़ास दिन है और बहुत ही ख़ास अमल आपको बताने जा रहा हूँ अमल आपने करना यह है कि जब आप ईशा की नमाज़ पढ़कर कर फारिक हो जाएं, यूं तो आप बाद नमाज ईशा से फजर से पहले पहले तक यह अमल कर सकते हैं रात के किसी भी टाइम ये अमल कर सकते हैं आपने अमल यह करना है कि आपने एक तस्वी अस्त पढ़ना है अगर आपको पूरा आता है अस्त फिरल्ला हरबी मिनकुल्ली जम्बी व अतूब अतूबिल् यह पूरा पढ़ ले वरना आप सिर्फ़ अस्त फिर एक तस्वी पूरा पढ़ लें उसके बाद आपने एक तस्वी या रहामानु और एक तस्वी या रहीमू का पढ़ना है उसके बाद आपने ग्यारह मरतबा दुरुद इब्राहिम या कोई सी भी दरुद शरीफ पढ़ के आपके दिल में जो भी इरादा है जो भी आप अल्लाह से मांगना चाहते हैं मांगें इन शाल के फजलोक्रम से आपकी हर जायज़ दुआ कबूल होगी और हर परेशानी दूर होगी इस वीडियो को सदका इस जारिया समझ कर इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इन शह इसका भी आपको मिलेगा इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए असलकमल वबरक